हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एवरीथिंग होम मेड पे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपना बेबी बैग में क्या क्या चीज़ें कैरी कर रही हूँ हॉस्पिटल के बेबी बैग में अपने बेबी के लिए। और कुछ ही टाइम में मेरी डिलीवरी और बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए पहले से। और ये भी जो भी चीज़ें मैं रखी हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको मैंने स्टार्ट करते हैं। अभी जो वेदर चल रहा है वो समर का वेदर चल रहा है, तो हमें विंटर टाइप बहुत कुछ नहीं लिया। मैंने ये ब्लैंकेट लिया है ताकि बेबी को ठंडी ना लगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड अगर इसके ब्रांड की बात की जाए तो ये है बेबी हग ब्रांड का, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो समर के लिए तो एकदम अप्रोप्रिएट है और बढ़िया है। क्वालिटी भी काफ़ी प्यारी है और मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी से बेबी हो और उसको मैं ये ब्लैंकेट उड़ा सकूँ। और इसका कलर मैंने इसलिए ये वाला चूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर था और बेस्ट लग रहा था मुझे, वो ये है। ये भी ब्लैंकेट टाइप ही है और ये मैंने बेबी को कैरी करने के लिए लिया है। जब हम उसे हाथ में लेंगे और हमें अगर महसूस होता है कि एसी चल रही है और एसी की वजह से उसे अगर ठंड ना लगे, जब बेबी होती है तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो और उन्हें टेम्परेचर उनका मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उसके मुताबिक हम मेंटेन कर सकेंगे, तो मैंने ये वाला लिया है। इसके पीछे में ये फर लगे हुए हैं, फर बहुत ही सॉफ्ट है और कलर जो है स्काई ब्लू मैंने लिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था मुझे। बेबी के लिए मैंने ये वाला रैपिंग या फिर जो भी कह लीजिए स्वेडल टाइप ये जो ब्लैंकेट आता है ये मैंने लिया है। हम इसमें बेबी को लेकर के आएंगे घर पे, तो इसमें मैंने दो कलर्स रख लिए हैं और एक कलर जो है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। एक कलर जो है ये वाला कलर है और एक मैंने पिंक रखा है, क्योंकि अगर हमें बेबी गर्ल होती है तो हम पिंक ले लेंगे और अगर हमें बेबी बॉय होता है तो सबसे पहले हम इसे ये वाला कलर ट्राई करवाएंगे, क्योंकि लड़कियों को पिंक ज़्यादा पसंद होता है और बिल्कुल स्किन पे हार्श नहीं होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाली है बेबी इसको जब हम इसमें रखेंगे बेबी को। इसमें हम तो ये इंतज़ार कर रहे हैं फटाफट रखने का मौका मिले बेबी को। इसमें अगर हमें बेबी गर्ल होती है तो हम ये वाला लेंगे और उसे पहनाएंगे, और अगर हमें बेबी गर्ल बेबी बॉय होता है तो फिर हम ये वाला ट्राई करेंगे। ये दो पेयर्स मैंने रख लिए हैं, अभी इनको मैं फोल्ड करके अच्छे से रख लूँगी। इनको मैंने वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद मैंने इसे डिटॉल से वॉश कर लिया है तो जम्स एकदम गायब हो गए हैं, तो ये दोनों मैंने रख लिया है। मैंने दो सीट्स रखे हैं जिनमें कि कलर अभी आप देख सकते हैं, ये पर्पल कलर काइंड ऑफ मैंने सीट्स लिए हैं। मुझे ये पर्पल कलर ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें दाग भी नहीं आएगा, स्टेन नहीं आएगा ज़्यादा और प्यारा भी लगने वाला है इससे जब हम बेबी को सुलाएंगे तो। और ये वाटरप्रूफ है और वाटरप्रूफ भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लीकेज भी नहीं होगा। तो मैंने ये कलर एक लिया है और उसके साथ मैंने एक लाइट पर्पल कलर लिया है। तो ये दोनों कलर्स में से आपको कौन सा कलर पसंद आया जरूर बताइएगा। तो ये भी एकदम सेम एग्जैक्टली है बेबी हग का ही है, स्मार्ट ड्राई मैट है। तो ये ना चार या पांच सुसु बेबी का सोक करने वाला है, तो बढ़िया है एकदम। और मेन बात है इसके अंदर ये जो पीछे में वाटरप्रूफ सीट्स दिए गए हैं ना, वाटरप्रूफ प्रोटेक्टर, इसके वजह से बेबी का सुसु जो है वो लीक नहीं होगा। ये मैंने दो रख लिया, मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें दिखाई ब्लैंकेट भी मैंने दो रख लिया, क्यूट सा टेडी बैग भी रख लिया है और दो मैंने सीट्स भी रख लिए हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि बेबी जब होती है ना तो उसको पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, नए कपड़े नहीं पहनाए जाते। हमारे यहाँ जब छठियार हो जाता है उसके बाद नए कपड़े पहनाए जाते हैं छठियार के दिन से, तो हमें वो पुराने कपड़े ही पहनाने होते हैं। हमारे घर में अगर कोई बेबी है फिर अगल बगल के बेबी से उनके पुराने कपड़े ले लीजिए और उन्हें पहनाइए। तो मेरे घर में मेरी दीदी का बाबू है, मैंने उसके ड्रेसेस लिए हैं, तो वो लड़का है इसलिए मेरे पास लड़के के ही ड्रेस हैं। तो हमारी बेबी गर्ल अगर होती है तो उसको पहले दिन से लेके और छठियार के दिन तक लड़के वाले ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, जिसमें कि मैंने ये वाला एक कपड़ा लिया है, बहुत ही क्यूट है, ये ऊपर का सेट है। तो ये तो मैंने फिलहाल दो सेट्स लिए हैं, एक मैंने ये वाला सेट ले लिया है और ये बटन्स वाले मैंने लिए हैं। सेकेंड वाला जो है ये भी प्योर कॉटन का है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो इसका ये पिंक है। तो हमने जो भी चीज़ें ली हैं उसमें पिंक टच देने की कोशिश की है ताकि हमारी बेबी गर्ल के लिए ये बेस्ट रहे, और लड़कियों को तो पिंक कलर पसंद भी होता है, तो हमने पिंक ट्राई करने की कोशिश की है। तो ये वाला कपड़ा जो है ये भी पिंक में है और बहुत ही प्यारा है और सॉफ्ट कॉटन है, एकदम कम्फर्ट फील कराएगा। इसमें भी बटन्स हैं और पैंट दिखा देती हूँ, बहुत ही क्यूट सा है। हमने लंगोट भी रख लिए हैं, लंगोट में भी हमने पिंक कलर ट्राई किया है, देखिए लंगोट में भी। और जैसे कि लड़के के लिए हमने ये टेडी बैग जो है इसके साथ साथ ये सेम कलर का लंगोट रखा है,
ताकि हम जब फर्स्ट बार उसे क्लोथ पहनाएं तो हमारे पास एकदम मैचिंग मैचिंग क्लोथ हो। तो देखिए इसमें तो ये कलर एकदम मैच नहीं कर पाया था, बट बेबी बॉय के लिए हमने ये कलर रखा है, ये तीनों कलर, ये तीनों। और अगर बेबी गर्ल होती है तो उसके लिए हमने ब्लैंकेट प्लस क्लोथ, और ये उसका लंगोट होने वाला है जो है, टॉवल नहीं है, टॉवल भी मैं अभी रख लूँगी। तो इतनी चीज़ें दो दो का सेट्स में लेकर के जा रही हूँ क्योंकि इतना काफ़ी है। और अब मैं बेबी के एसेंशियल्स की बात कर लेती हूँ। वैसे तो देखा जाए डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि कब से उन्हें नहलाना है, कब से सारी चीज़ें यूज़ करनी है, बट मैंने कुछ एसेंशियल्स भी रख लिए हैं बेबी केयर के लिए। जॉनसन्स बेबी तो हमें यूज़ करना ही नहीं था क्योंकि जॉनसन्स बेबी का रेपुटेशन एक बार ख़राब हो चुका है तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो हमने हिमालय, सब लोग तो हिमालय ही ट्राई करते हैं, बट हमने सोचा कि नहीं, हम लोग डाबर का ट्राई करते हैं। तो हमने डाबर का टेल्का पाउडर लिया है और ये है रिफ्रेशिंग डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड फॉर सेफ्टी प्योर एंड जेंटल। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें ऑलिव ऑयल और खास आलमंड ऑयल मिलाया गया है। आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ ही बनता है, इंजेस्ट विद बेबी लविंग। और ये काफ़ी बड़ा है, आप भी कहेंगे कि इतना बड़ा क्यों, तो हम इसको छोटे से डब्बे में भी वो जो लगाने वाला आता है उसमें कैरी कर लेंगे। हमको भी रख लिया है और हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड ट्राई नहीं करने वाले हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम एक ही ब्रांड ट्राई करेंगे बेबी के लिए। तो हमने डाबर का ही ये शैम्पू भी लिया है और इसमें दो शैम्पू के वेरिएंट थे, बट हमने ये वाला लिया, ये ज़्यादा अच्छा था। इसमें भी हिबिकस, गॉसबेरी, एलोवेरा और खस मिलाया गया है, तो एकदम बढ़िया वाला इंग्रेडिएंट भी है इसमें। और ये जो है ये सोप है, ये भी डाबर का है, बेबी सोप, जेंटल नरसिंग, आयुर्वेदिक हर्ब्स, आलमंड ऑयल एंड एलोवेरा इसमें मिलाया गया है। तो बेबी की स्किन के लिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील कराने वाला है और नरिश करेगा स्किन को बेबी के साथ साथ। मैंने बेबी ऑयल भी रख लिया है और उसका भी क्लिप मैं ऐड कर दूँगी, बट इस बैग में मैं नहीं रखी हूँ, मुझे उठ के जाना पड़ेगा तो इसलिए वो रख लूँगी मैं। मदर्स पर्स का मैंने थ्री वे प्रोटेक्शन, मास्क्यूटिस, प्लीज एंड आंट से बचने के लिए रोल ऑन है, तो बेबी को लगा देंगे उनके क्लोथ के ऊपर तो उसे मच्छर, मक्खी और चींटियों का खतरा नहीं रहेगा, तो वो उनको देखते डर के भाग जाएंगी तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। एक ये भी रख लिया है। वैसे हम एक बार डॉक्टर से भी एडवाइस कर लेंगे कि हम इसे बेबी के क्लोथ पे यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमने रखा है बेबी का वाइप उसे पोषने के लिए। तो वो वाइप का जो पैकेट है मैं भी दिखा देती हूँ। तो ये वाला वाइप जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इसकी रेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ट्रस्ट करने लायक ब्रांड है क्योंकि मेरे जानने वालों ने, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया है, तो बहुत ही बढ़िया है बेबी की स्किन के लिए। और हमने जो डाइपर परचेस किया है, डाइपर भी मैं लेके जाऊंगी, तो एक पैक में, एक या दो पैक में डाइपर के लेके जाने वाली हूँ। तो ये वाला डाइपर मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि मुझे लगा कि पर्सनली कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसकी क्वालिटी और चीज़ें अब हम जब इसको यूज़ करेंगे तब हमें पता चलेगा। इसमें मैंने साइज़ जो है 0 परचेस किया है, एकदम छोटू सा पैंट है। हमारा बैग एकदम रेडी हो चुका है। ऐसा बैग मैंने परचेस किया था जिसमें आगे भी चैन है, तो इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें रख सकती हूँ, बड़ी चीज़, छोटी चीज़ें इसमें रख सकती हूँ। और इसमें मैं बेबी का सारा सामान रख ली हूँ। तो आप भी प्रे करिए कि अच्छे से सब कुछ हो जाए और नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो शायद बेबी के आने का ही ब्लॉग हो जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कोई चीज़ अगर छूट रही है, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें रखी है, बट कोई चीज़ अगर छूट रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको रख लूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिलीवरी वाले वीडियो में हम शायद मिल सकते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा वही हो सकता है। और मैंने अपने लिए जो बैग पैक किया है वो मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। मेरी बेबी के लिए तो अभी